बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि उनके भाई ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनका मर्डर हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एक क्रिमिनल लॉयर हैं और जैसे ही उन्होंने सुशांत का कमरा में पंखे और बेड की हाइट देखी वैसे ही वो समझ गई कि इतनी हाइट से सुसाइड नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की डेड बॉडी देखकर शंका हुई थी। इसके अलावा उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर भी गंभीर आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं और मैंने दहेज हत्या और अन्य तरीके की बॉडी देखी है। ऐसे केस में मरने वाली व्यक्ति की आंखें और जीभ बाहर निकल आती हैं, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा नहीं था। जिस कमरे में सुशांत की डेथ हुई थी मैं उस कमरे में कई दिनों बाद गई थी। मैंने उस दिन छत की ओर देखा और महसूस किया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। जब मैं कमरे में गई तो मैंने वो छत देखी और फिर बेड देखा। इस बारे में ज़्यादा सोचे बिना ही मैं झट से समझ गई कि नहीं, मेरा भाई कभी ऐसी जगह लटक नहीं सकता। दोनों के बीच प्रियंका ने आगे ये भी कहा कि पुलिस के लोग कह रहे थे कि वहाँ पर कोई कपड़ा भी था, उसकी लेंथ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉसिबल ही नहीं था। बेड और पंखे के बीच उतनी भी हाइट नहीं थी जितनी सुशांत की थी। उस दिन रिकॉर्ड में उसकी हाइट भी बदल गई थी, 6 फीट 183 सेंटीमीटर से कुछ और 5 फीट 10 इंच या इससे भी कम। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था और मैंने इसे CBI के साथ भी साझा किया। प्रियंका ने यह भी कहा कि रिया ने उनके भाई की लाइफ बर्बाद कर दी थी। इस बारे में बात करते हुए वो उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब से रिया उनके भाई सुशांत की लाइफ में आई तभी से उनकी लाइफ बर्बाद होने लगी। इसे लेकर पहली बार उन्होंने और उनके भाई के बीच अनबन भी हुई थी। 6 दिन के अंदर ये सब घट गया। जो लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करते और रिया को बचा रहे हैं उन्होंने ही सुशांत को ख़त्म करने के लिए रिया को भेजा था। 2 साल पहले 14 जून 2020 को सुशांत का 34 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। देश की 3 बड़ी एजेंसियां CBI, NCB और ED सुशांत डेथ केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्टर की मौत आखिर हुई कैसे। सुशांत के निधन के बाद से ही रिया मुसीबत में फंसी हुई। सुशांत की डेथ के कुछ दिन बाद से ही केस में NCB ड्रग एंगल से जाँच शुरू कर चुकी थी और रिया को सितंबर 2020 को गिरफ्तारी भी मिली थी। हालांकि 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।